कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास में धन नहीं है वो दुनिया के अभागे प्राणी है। कुछ लोग कहते हैं जिनके पास में धन नहीं है वो अभागे प्राणी है, और कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास में कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं, वे अभागे प्राणी। अब आप बताओ कौन अभागा प्राणी? जिसके पास में धन संपत्ति नहीं वो अभागा प्राणी, या जिसके पास में कोई गुण और कला नहीं वो अभागा प्राणी? कहा भैया किससे पूछे, चलो अपन वेद व्यास जी के पास चलते। तो वेद व्यास जी के पास में गए, बोले आपने 18 पुराण आ उपराण वेदों के विभाग किए हैं, ब्रह्म सूत्र आपने लिखा है, महाभारत जैसे ग्रंथ के आप रचयिता हैं, आप हमें बताइए दुनिया में अभागा प्राणी कौन है? जिसने जिसके पास में संपत्ति नहीं वो अभागा प्राणी है, या जिसके पास में कोई कला नहीं है, कोई गुण नहीं, वो अभागा प्राणी? तो सुनिए वेद व्यास जी ने क्या उत्तर दिया। केचिद वदन्ति, केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्या। कुछ लोग कहते हैं जिनके पास में धन नहीं वो अभागे प्राणी है, और केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्या। और कुछ लोग कहते हैं जिनके पास में कोई गुण नहीं वो अभागे प्राणी है। वेद व्यास जी से कहा आप क्या कहते हैं? काव्यासो वदत्यखिल शास्त्र पुराण वेता। समस्त वेदों और शास्त्रों के परिपूर्ण मर्मज्ञ श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि व्यासो वदत्यखिल शास्त्र पुराण वेता नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या। नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं अभागा प्राणी वो नहीं जिसके पास में धन नहीं, अभागा प्राणी वो भी नहीं जिसके पास में कोई कला और ज्ञान नहीं, अभागा प्राणी वो है जिसके पास में नारायण का नाम नहीं है। बोलो नारायण पुरवालों के लिए कभी भी एक दिन ऐसा जाता होगा जो दिन में एक दो बार नारायण का नाम न लेता होगा? बोलो है कोई ऐसा? और अभी तो पूरे क्षेत्र के गांव नारायण का नाम ले रहे होंगे। कह रहे हैं भैया कल कहां जाना है? बोले नारायणपुर जाना है। कहीं भी आना भाई नारायणपुर आ जाना। इसलिए नारायणपुर नारायणपुर तब होता है जब नारायण की राम कथा होती है मेरे भगवान, और जब तक ये कथा नहीं होती तो नारायण नारायणपुर नहीं होता। ये जीवन की धन्यता और सौभाग्य जब संत शुद्ध में रह पड़ते ही चितमहि राम कृपा कर जे ही। तो जीवन में सौभाग्यशाली प्राणी वो है नारायण स्मरण ही नरोजगन्या, जिसके जीवन में राम की भक्ति है, राम की अनुभक्ति है, राम में आसक्ति है और राम में ही जीवन की परिपूर्ण अवस्था है। ऐसे हनुमान जी हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बोले बड़ा भागी कौन है? का जिसके जीवन में राम के चरणों में प्रेम है, राम के चरणों का प्यार है। तो हनुमान जी महाराज में दो चीजें विशेष हैं, और हनुमान जी महाराज इन्हीं दो विशेषों के कारण, दो विशेष चीजों के कारण राम के प्यारे हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, गिरिजा ध्यान से सुनना, पार्वती जी ध्यान से सुनना, हनुमान जी के जीवन की दो चरित्रों के चरित्र की दो विशेषताएं ऐसी हैं जिनको राम जी बार बार स्मरण करते हैं। वो कौन सी विशेषताएं? दोनों को नोट करना, आपके भी जीवन में दो विशेषताएं आना चाहिए। कथा का मतलब केवल इतनी के हाथ में हाथ रख करके बैठे रहो और जीवन में कुछ आए ही नहीं। इसलिए रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना, राम के आचरण को जीवन में उतारो। तो हनुमान जी महाराज की वो दो कौन सी विशेषताएं जिसके कारण श्री राम जी उनको बार बार स्मरण करते हैं? बोले गिरिजा सुप्रीति से बुकाई, गिरिजा सुप्रीति से बुकाई, पार
दरबार प्रभु निज मुँह गाए बार बार प्रभु निज मुँह गाए। बार बार प्रभु निज मुँह गाए बार बार प्रभु निज मुँह गाए। दो विशेषताएं जिसके कारण मेरे राम जी उनको बार बार स्मरण करते हैं, और ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? बोले गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। दो चीजें हनुमान जी में, दो चीजें निष्कलुष निष्काम निश्चल प्रेम। क्या है? निष्काम निष्कलुष निश्चल प्रेम। निष्काम का मतलब है जिसमें कोई कामना ना, निश्चल का मतलब ये वास्तविक प्रेम हो, उसमें कोई दिखावा ना, बनावटी पन्ना। नहीं तो देखो फिल्मों में कितना सुंदर वात्सल्य दिखाते हैं, जबकि उनका कोई न लेना न देना, फिर भी कितना नाटक होता। तो निश्चल निष्काम, तो ऐसा जो प्रेम हनुमान जी महाराज का राम जी के चरणों में, ऐसा प्रेम है जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, ऐसे प्रेम के जिस गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई। और सेवा भावना, हनुमान जी महाराज की सेवा भावना। आपने नाम सुना होगा एक महात्मा गांधी के साथ में एक संत रहा करती थी, और उन संत का नाम था विनोबा भावे। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वर्धा में विनोबा भावे जी का आश्रम है, महात्मा गांधी जी का। और विनोबा भावे जी ने एक नए यज्ञ चलाए थे गांव गांव में, और भूमि दान महायज्ञ। वो क्या करते थे, दान में बड़े बड़े जिनके पास में खूब भूमि होती थी उनसे भूमि मांगते थे, और भूमि मांग करके उसी गांव में जिनके पास में बेचारों के पास में एक मकान भी ना हो, मड़िया भी ना हो, रहने की जगह ना हो, वहीं पर उनको टुकड़े टुकड़े करके दान कर देते थे, भूमि दान। एक एक काम उन्होंने चलाया था, बहुत सुंदर यज्ञ था, कितने लोगों को उन्होंने घर दे दिया विनोबा भावे। और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि भारतवर्ष के गांव गांव में जाकर के उन्होंने अखाड़े खुलवाए, और अखाड़े के पास में हनुमान जी के मंदिर बनवाए। क्यों? कहा कि ये जो नौजवान है ना, अब क्या हुआ ना कि सारे नौजवानों की नौजवानी वो चाय ले डूबी। हाँ, ये जो है ना, जो चाइना है ना, चाइना भारत को नष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कुचक्र पैदा करता है कि पूछो मत। चाय किसने पैदा की? चाइना ने। और आजकल सबसे ज्यादा पैदा कहां होती मालूम? भारत में। अब चाइना को जाती है यहां से, लेकिन चाय की ऐसी शक्ति है कि एक चुटकी चाय की पत्ती को एक कुंटल दूध में डाल करके आप उबाल दो, और उसके बाद उस दूध को जमाओ, तो एक चुटकी चाय की पत्ती एक कुंटल दूध के सार तत्व को नष्ट कर देती है, और एक छटाक फिर आप घी उससे नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जो नौजवानों का पुरुषार्थ है, जो शक्ति है, वो चाय के द्वारा नष्ट हो रही है। भारत में तो दूध की नदियां बहती थी, दही की नदियां बहती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे इस भारतवर्ष की पवित्र पावन धरती पर उन्होंने अखाड़े बनवाए, और उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के हर एक नौजवान के पास में कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन हनुमान चालीसा और भगवत गीता जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज उन लोगों के पास में हनुमान चालीसा तो नहीं है, नौजवानों के पास में वो एक कांच और कंघा जरूर रहता है, जही मन में आए वहीं पर अपनी जुल्फों को संभालना शुरू कर देते। अब तो वो भी गया, अब तो वो क्या छोटा डिब्बा है ना,
छोटे छोटे बच्चे मस्त, क्या होता है, क्या होता है वो मोबाइल, जो हरदम मुंह के सामने मुंह बाइक खड़ा रहे, उसी का नाम मोबाइल है। इसलिए और जिसके सामने से एक पल भी आप मूवमेंट ना कर सको वो मोबाइल है। ये मोबाइल की नई व्याख्या है, नोट कर, मोबाइल माने एक मिनट भर ले लिए वस्तु भर ले लिए, क्यों जी? तो कहने का तात्पर्य ये है, तो ये मोबाइल की बड़ी गरिमा है। संत विनोबा भावे जी ने कहा कि व्यक्ति के पास में कुछ भी हो चाहे ना हो, पर हनुमान चालीसा होना चाहिए और व्यक्ति के पास में भगवत गीता होनी चाहिए हर एक नौजवान। और जो अखाड़े होते थे, अखाड़े के पास में हनुमान बाबा का मंदिर होता था कि पहले शक्ति का संकलन करो और फिर शक्ति तुम्हारे पास में आ जाए तो शक्ति का प्रयोग करना हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी ने कभी भी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। जिसकी शक्ति, जिसकी बुद्धि, जिसकी अभिव्यक्ति, जिसकी अनुरक्ति राम से जुड़ जाती है, वो खुद का भी उद्धार का द्वार खोल लेता है और सदा सदा के लिए दुनिया के लिए भी द्वार के विमुक्ष का रास्ता बता देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की जो भक्ति है, अनुरक्ति है, सब कुछ अभिव्यक्ति है, वो राम में जुड़ी हुई है। तो गिरिजा जासु प्रीति, प्रेम किससे करते हनुमान जी महाराज? राम से। और शिव काई बार बार प्रभु निज मुख गाय। राम जी ने कभी हनुमान जी की प्रशंसा की? हनुमान जी ने कभी किसी के सामने गाया? कहां गाया? भरते भाई कपि से उरने हमना, 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 भरते भाई कपिसे उरे ने हमना, भाई कपिसे उरे ने हमना। शक्ति बाहरी
तो भगवान शंकर जी हनुमंत लाल जी महाराज की भगवान राम जी दो विशेषताओं का गाने करते हैं कि गिरिजा जासु प्रीति शिव काई बारी बार प्रभु निजे मुखे। आप जिसको प्रेम करते हैं उसका नाम बदल देते हैं कि नहीं? राम होगा तो क्या करेंगे? रामू भूरे लाल अंग भूरा और कारे भैया है तो कहेंगे कल्लू। ऐसे हनुमान जी महाराज ने राम जी को रामू। सुमेरी पवन सुती पान नाम अपने बसे करे राखे। किसको रखा? रामू। अपने बस कर राखे रामू।